जो साढ़े बहुत सत्कारयोग जो हरियाणे तो ने भवानी तो सरदार हवा सिंह जी सागवन वो साढ़े पहुँचे ने जिन्होंने कुछ ही पिछले समय तो अमृत की दात श्री दरबार साहब की धरती तो प्राप्त की है पंज प्यारियां कोलों उन्हां दा तह दिलों धन्नवाद करते हैं। किसान युक्त मोर्चे वालों भिजो स्टेट पर पहुँचे ने सरदार हवा सिंह जी सागवन वो मैक ते आउण ते अपने विचार संगतां प्रति सांझे करन जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सबको सत श्री अकाल सबको सलाम। आज कबीर जी का जन्मदिन है, वैसे तो कल था लेकिन आज मना रहे हैं और मैं गौरव साहब का धन्यवादी हूं कि उन्होंने मेरे को दो दिन पहले फोन किया और यहां बुलाया और मेरे को मौका दिया बोलने का। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश में दो महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ पूरा झंडा उठाया। पहले थे गुरु नानक जी, आपको याद होगा कि हाँ आ गए आई आपने सुना होगा कि गुरुजी पहली उदासी में जब गए हरिद्वार तो सुबह सुबह गंगा के ऊपर चले गए और गंगा जी पर लोग सूर्य को पानी दे रहे थे। आज भी देते हैं गांव में। आप किसी पंडित के पास जाओ कोई कोई बीच बता देगा भाई सुबह पानी देना सूरज को। तो गुरु जी ने देखा कि सब पानी दे रहे हैं पूर्व दिख मुंह करके, तो उन्होंने पूछा भाई क्या कर रहे हो आप लोग? वो बोले जी हम जो है सूरज में पानी दे रहे हैं। तो गुरु जी ने पश्चिम की तरफ मुंह करके और जो है पानी देना शुरू कर दिया, मतलब बाकी दे रहे थे पूर्व की तरफ उन्होंने पश्चिम की तरफ शुरू कर दिया। तो लोग बोले जी आप क्या कर रहे हो, ये सूरज तो उधर है उधर क्या कर रहे हो? बोला मेरे खेतों में पानी दे रहा हूं मैं। तो बोला खेत तो बहुत दूर है पानी कैसे जाएगा? अरे बोला जब सूरज में पानी चला जाएगा तो खेत में क्यों नहीं जाएगा? ये तर्क था, तर्क हमारे हमारे गुरु जी का तर्क था। इसी प्रकार से कबीर जी ने काशी के अंदर, काशी क्या है अंधविश्वासियों का अड्डा है, हेडक्वार्टर है, वहां पर बोलना उनके खिलाफ और उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। और मैं देखा है खुद मेरे पिताजी कबीरपंथी थे और कबीर के वो शब्द सुनाया करते थे। आज भी हरियाणा में कबीरपंथी बहुत ज्यादा हैं। आपने एक का नाम सुना होगा रामपाल, वो हरियाणा में कभी जेई की नौकरी क्या करते थे और उनने जो है कबीर के नाम से ही संस्था खोल रखी है। कहने का मतलब यह है कबीर जी को हरियाणा में बहुत मानने वाले लोग हैं। तो आज उनका जो है हम जन्मदिन मना रहे हैं। बड़े महापुरुष थे, उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ बहुत गहरी चोट की थी अपने समय में। अब दूसरी बात आते हैं हमारा जो किसान आंदोलन, उसकी बात करेंगे। किसान अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये सरकार हमारी मांग मानने वाली नहीं है, सब समझ गए। क्यों नहीं है ये भी विचार कर लिया होगा और सरकार भी जान गई है कि जो है किसान यहां से नहीं उठेंगे जब तक मांग नहीं मानी जाएगी या 2024 तक जो है वो यहीं रहेंगे, सरकार भी जान गई है। अब क्या होगा? अब सरकार इस आंदोलन को फैल करने के लिए सारे तिकड़म लड़ाएगी। आप देखना, हमने जब जाट आंदोलन किया आरक्षण के लिए तो हमारे खिलाफ यही मुरथल में रेप का केस लगाया था, हाई कोर्ट में गया चंडीगढ़,
एसआईटी बनाई एक आईजीसी लेडी, नाम भूल गया मैं, लेकिन कहां गई हमारी? झूठे यार आप, सारे झूठे बनाएंगे, बता रहा हूं आपको। हमारे खिलाफ, किसानों के खिलाफ सब षड्यंत्र रचे जाएंगे, नोट कर लो ये बात, ये रह ही नहीं सकते। अरे भाई हम तो क्या चीजें किसान हैं, महात्मा बुद्ध का आप जानते हो ना, महात्मा बुद्ध के ऊपर रेप का केस लगाया था इन लोगों ने, रेप का, महात्मा बुद्ध के ऊपर, और बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी उसके ऊपर। कहने का मतलब हमको इस बात को सोचना पड़ेगा, ये ऐसे काम करेंगे, करवाएंगे किसी से, नाम होगा हमारा किसान संगठन, और काम करेंगे उल्टे ये। अब सवाल ये है कि इलाज क्या है इनका? हर बीमारी का इलाज होता है, कोरोना का ढूंढ लिया लोगन, तो ये किसानों का आंदोलन वाला इलाज है? इलाज करना पड़ेगा, मैं वो इलाज बताऊंगा जो मंच से बता सकता हूं, बाकी जो इलाज इनका अलग होगा वो ये मंच से नहीं बताया जा सकता, वो तो आपस में बैठ के सलाह मशवरा होता है। मैं बताऊंगा सीधा, यहां बीच में जो है हमारे दूसरे भाई भी हैं, हिंदू भाई, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। अब यहां हम लोग बैठे हैं, 6 महीने हो गए, 7 हो गए भाई, बीजेपी के वोटर, सपोर्टर, वर्कर, नेता, किसी को तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, हम बैठे रहेंगे, हम धूप में, सर्दी में, गर्मी में यहां बैठे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे वहां भी गांव में, घरों में, वहां कौन सा हमारा एसी लगे हैं सबके? और लगे हैं तो खेतों में तो नहीं लगे, घर में होंगे किसी के। कहने का मतलब हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है ये। लेकिन अभी इलाज क्या है, बात ये है, अभी इलाज ये है कि जो इनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनको तकलीफ होनी चाहिए हमारे काम से। जब उनको तकलीफ होगी फिर वो इनके पास जाएंगे कि हमारा पीछा छुड़वा दो, हमारा भट्ठा गोल हो जाएगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। ऐसी नौबत आएगी जब ये मानेगी सरकार, नहीं तो क्या है, मोदी साहब, मोदी साहब ने सोच लिया है, उनके तो हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू हैं। यदि आंदोलन फेल हो गया तो वो इतिहास लिखवाएगा अपने लोगों से, बड़ा इस देश का झूठा इतिहास है, मैंने बहुत पढ़ा है, इतिहास लिखाएगा कि मैंने जो है हरियाणा और वो क्या नाम है पंजाब और यूपी के जो आए थे किसान, उनको हरा दिया है, उसने लड़ाई मान ली है हमारे साथ। और बताओ, नहीं तो मोदी को, मोदी सरकार को कौन सी नुकसान है? तीनों कानून वापस लेते, सरकार को क्या नुकसान है? नुकसान की बात नहीं है, फायदे की बात नहीं है। उनको जिद कि मैं तो ये दिखाऊंगा कि मैं तो सुभाष और बड़े बड़े जो नेता है पहले उनसे बड़ा हूं सबसे, और मैं इन किसानों का, पंजाब वालों का, सरदारों का, हरियाणा वालों का घुटने रगड़वा दूंगा, ये इनका इरादा है लोगों के। अब क्या है उसका, ये पहला तरीका इनको दुखी करने का, दुखी का मतलब इनको याद दिलाने का, इनकी दुकान बंद कैसे होंगी? इनकी दुकान बंद होगी मेरे भाइयों, ध्यान देना मेरी बात पर और समझना, विचार करना। मैंने 15 दिन पहले भी फेसबुक पर लिखा था किसान आंदोलन के बारे में, वो ये है कि सारे किसान जो आज सिख नहीं बने हैं, सारे के सारे सहजधारी सिख बन जाओ, यहां से लेकर खंडवा तक, कानपुर तक, इलाहाबाद तक, सारे सहजधारी सिख बन जाओ। जब इनकी दुकान बंद होंगी, जब वो इनकी दुकान बंद होंगी, वो इनके पास जाएंगे, रोएंगे कि जी क्या शुरू कर दिया आपने, आपने क्या शुरू कर दिया, इनको कहां छेड़ दिया, ये हमारी दुकान बंद कर दी सारी, हम क्या खाएंगे? ये तरीका है, एक हिम्मत चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं भी 2 महीने पहले सरदार बना हूं, और सरदार नहीं मैं खालसा हूं, सिख नहीं मैं खालसा हूं आज, तो हिम्मत करनी पड़ेगी। आप हिम्मत करो, तुम सहजधारी बन जाओ, उसके बाद केसधारी होता है, अमृतधारी होता है, आपको सहजधारी बनना है,
सहधारी है, जैसे आप यहां बैठे हो वैसे के वैसे, बस सिख धर्म में विश्वास जाओ और गुरुद्वार में जाओ, आप सहजदारी सीखोगे। जब आप सहजदारी सिख बन जाओगे, मैं दावा करता हूं, मैं पूरा लिख के दे दूं इस बात को, जब लोग धड़ाधड़ लाखों लोग बनेंगे सिख, ये सरकार घुटने टेक देगी। ये थोड़े से सिख हैं, पूरे दुनिया में करीब 3 करोड़ सिख हैं आज, ये इनका काबू से बाहर हो रहे हैं, इनसे इनको डर लगा है। तो जब बढ़ेंगे 8-10 करोड़ 10-12 करोड़, तो इनकी क्या हालत होगी आप सोच लो। तो पहला तरीका ये है, सहजदारी सिख बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी किस्म की दिक्कत नहीं। आप जब बनोगे आपको मालूम होगा कि कैसा अंधविश्वास से आपका पीछा छूट गया है। आप ऐसे धर्म आए जिसमें अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है, कोई मेरे जैसा आके बन के सिख कोई अंधविश्वास को लाए, पाखंड को तैयार करे, वो अलग बात है। बाकी सिख धर्म की जो सिखलाई है, और मैं तो कहता हूं 11 हमारे गुरु हैं, 10 नहीं है, एक जिंदा है आज हमारा गुरु ग्रंथ साहब, आप उसमें पढ़ लो, कहीं भी अंधविश्वास की कहीं कोई चीज मिल जाए, एक बात भी कहीं भी नहीं है, अंधविश्वास नाम की चीज नहीं है उसमें। पूरा धर्म साइंटिफिक है, विज्ञान पर आधारित है, और उसको बीच में कोई बिगाड़ रहा है तो बिगाड़ने वाले की गलती है, धर्म की गलती नहीं है। मैं इसलिए आपको बड़ा स्पष्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि आप इस बात पर ध्यान देना, यदि आपने इसमें जीतना है तो, नहीं तो इस सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये हो गया, कौन सा जो मैं पब्लिक में सबके सामने बोल रहा हूं, मन से खड़ा हो, यहां आईबी वाले बैठे हैं, सीआईडी वाले भी होंगे, उनका काम है, ड्यूटी है। अब ये है वो बात जो हमारा ये संगठन है, किसान संगठन जो बनाया हुआ है संयुक्त मोर्चा, उसके सामने जाके बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं सीआरपी का आदमी हूं, 35 साल नौकरी की है आपके पंजाब में, मैं 7 साल रहा हूं, हमने सारे यही काम देखे पूरे देश में। ये अयोध्या अयोध्या 4 महीना वहां भी लठ बजाया था हमने, बहुत तगड़ा, और अखबारों में आता था पहलवान सिंह ने हिंदुओं का वो कर दिया, जबकि मैं हिंदू था उस टाइम, नाम मेरा हवा सिंह आता था अखबार में, पहलवान सिंह, क्यों मैं तगड़ा था, आज भी देखो आप, मैं तगड़ा ही रहा, उस टाइम जवान था, डीएसपी था सीआरपी। तो ये हमारी आगे रुकेंगे नहीं, भागने वाले लोग हैं, कोई दम नहीं इनमें, क्या है ये प्रोपेगेंडा करते हैं, एक नंबर भड़काते हैं, और हम लोगों में ये कमजोरी, हम बैठने वाले आदमी, मेरे हरियाणा के नाराज मत होना, हरियाणा के जो किसान हैं मजदूर हैं वो तो भाई कति बोले से, उसमें भी शामिल हूं, खैर मैं ही मुशार हो गया 2 महीने से, ईसाई था पहले भी मैं, ये तो कति भोला काम, उनका समझ में नहीं आया। अरे गुजरात से एक बार मना की स्वामी दयानंद, पूरा हरियाणा पे कह दिया, सारी शिक्षा गुरु गोविंद साहब की उसमें सारी, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानना, ये नहीं मानना, सारी आर्य समाज की शिक्षा गुरु गोविंद साहब की है। उसमें बीच में क्या लिया, ओम लिया, और क्या लिया, हवन लिया, और क्या लिया, फेरे करने अलग डाल के, वो आर्य समाज ही फेरे कहने का, कुछ चीजें बदली कर दी, बाकी सारा गुरु गोविंद साहब वहीं से लिया, उन सारी बात देख ली हमने, पढ़ के वो भी पढ़ के देख ली, सार प्रकाश भी है मेरे पास, मेरे पास कुरान भी है, बाइबल भी है, सब पढ़े हमने, शौक है पढ़ने का मेरे को, इतिहास पढ़ने का बहुत शौक है। कहने का मतलब ये है कि हमको सतर्क रहना पड़ेगा, और ये काम करना है तो हमको हमारी बात मानी जाएगी। मैं कह रहा हूं जब शुरू हो जाएंगे पढ़ने, दूसरे दिन ये जो है मान जाएंगे बात, यूं कहेंगे तुम क्या चाहिए, हम हमारा पीछा छोड़ दो तुम, अब न्यू बताओ, आप ही आटा बैठे सा, उनका वोटर तो कनाट प्लेस में रहे हैं, अंदर हैं दिल्ली में बीजेपी के वोटर, यहां तो ये कुछ वो उसके वो छोरा था परमाला, उसके वोटर होंगे थोड़े, बाकी जिनकी आटा जमीन बिकी, उन्होंने खोली दुकानें,
कोई वो बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, बोट रहे उनके अंदर, उन बोटरों को तकलीफ होगी जब वो मानेंगे, उनके जो है सपोर्टर है उनको तकलीफ हो जो मानेंगे, तो वो रास्ते अपनाने पड़ेंगे हमने जब जब भाई ये सरकार मानेगी। बाकी दूसरे तरीके हैं वो मन से नहीं बता सकते, हम बताना ही नहीं चाहिए, वो मूर्खता है। बहुत तरीके हैं सरकार को घुटने के बल चलाना, वो थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी हम, बाकी हमारा कुछ कर नहीं सकेगी। तो अभी क्या है, ये अभी हमारे को बदनाम करने के लिए प्रोपेगंडा करेंगे और मौका मिल गया तो हमारे ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं, मतलब लाठी का डंडे का, जब हम वापस कार्रवाई करेंगे गोली चलवा सकते हैं, ये नोट कर लेना बात बता रहा हूं मैं, ये कर सकते हैं, ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि भी इनको कैसे काबू किया जाए। अभी इनको ये मालूम हो गया आदमी उठने वाले, ये इनको सरकार को मालूम हो गया ये नहीं उठेंगे 2024 तक, पक्का यकीन हो गया सरकार को, तो अभी उसी तरह सोच के हमने चलना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। हम 3 साल यहां बैठ बैठ के भाषण कब तक देते रहेंगे, कुछ लोग करना पड़ेगा हमें, और तरीके बहुत हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन तरीके यही होते हैं प्रजातंत्र में, ये जो है सरकार को घुटनों के बल लाया जाए और वो इस प्रकार आएगी जब उसके वोटर सपोर्टरों को तकलीफ होगी, हमारे को तकलीफ हो रही है, किसी को तकलीफ, और आप लोग साथ भीने से यहाँ पड़े हो, क्या तकलीफ आई हुई उनको जो बंगलों में रहते हैं, कोठियों में रहते हैं नई दिल्ली में, क्या तकलीफ उनको, अब कितनी गर्मी पड़े है आपने सर्दी देख ली, हम इसी काम के लिए हैं क्या, हमारे बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, खेत हैं, पशु हैं, उनको छोड़ के सवार हैं, परिवार को छोड़ के, ये सरकार नहीं समझ रही है और नहीं समझेगी, क्यों आते तो ऐसे ही हैं, ये परिवार है ही नहीं इनके, रंड मलेंगे ज़्यादातर, कुछ नहीं मालूम इनको दुनियादारी का। और मैंने मोदी साहब की एक मीटिंग अटेंड करी थी, मोदी साहब की 25 मार्च 2015 को उनके घर पर, तो मेरे और कुछ नहीं था, मैंने बेरा कुछ नहीं करना इसने, लेकिन मैं उनके माथे कान देखूँ लगातार, माथा होता है इसको पढ़ रहा था भाई, वो रिएक्शन कैसे करता है, बात करता है, जब मैंने देखा उसके माथे पर कोई भी भाव नहीं आता, मोदी साहब के माथे पर कोई भाव नहीं आता, मैंने खुद देखा है। और मनोहर लाल खट्टर, उसका तो मतलब नहीं कोई, उसकी तो कई मीटिंग अटेंड करी 2015-16-17 तक, कम से कम 15-20 मीटिंग अटेंड करेंगी, कुछ नहीं है सर किसी बात का होता है इनको, इनको वो चीज है ही नहीं जो नेताओं में हमने देखी है, ये तो लोगों को दुखी देके खुश होने वाले आदमी हैं, इनकी आत्मा खुश होती है कि भाई आप ये अन्नदाता जिसको बोलते हैं अन्नदाता, लेकिन अन्नदाता जब इस प्रकार पड़ा है गर्मी सर्दी में, इनको ऐसा देख के खुश होते हैं, इनको दुखी करना है तो हमें बोले और तरीके अपनाने पड़ेंगे, और कोई तरीका है नहीं। बाकी मैं एक दिन पहले आया था कि मैं तो अनुभव है इस बात का, मैं देखा ये काम इसलिए बताना चाहता हूँ। अब मैं जो उनकी अपना है ये किसान मोर्चा है, मैं मिलूँगा आज नहीं कल परसों, मैं अपनी बात रखूँगा कि कौन कौन से तरीके हैं, अभी टाइम हो गया है। बाकी और मैं बता दी, एक छोटी बात रहेगी, मेरे याद आ गई, मेरे को याद है कैरू प्रताप सिंह, प्रताप सिंह कैरू सीएम होते थे पंजाब के, जब हरियाणा पंजाब एक थे, उस टाइम से लोगों को तकलीफ होगी और चलाया हिंदी आंदोलन एंटी पंजाबी, उससे लेके आज तक हरियाणा अलग भी हो गया, हमको लड़ाए रखा है हरियाणा और पंजाब वालों को लड़ा के रखा है, कभी आसवाईल पर, कभी चंडीगढ़ पर, कभी हिंदी क्षेत्र पंजाबी क्षेत्र, दुनिया भर के मुकदमे चले हैं। शोई भाई हेलो, मेरे है डायबिटीज़ की बीमारी, ये नोट गिर गया किसका है, मेरे डायबिटीज़ की बीमारी है और मेरे शुगर कम हो गई है। सत श्री अकाल।